Very good morning, student. Today we will start our class on the topic of force exerted by the impact of chain on the stationary cart plate. But ये जो stationary cart plate के ऊपर हम लोग पिछला class में भी देखे थे, लेकिन पिछला class में हम लोग क्या देखे थे कि जो stationary cart plate है उसके ऊपर जो jet जाके जो strike कर रहा है, अगर ये मेरा stationary cart plate है तो वो स्टेशनरी कार्ट प्लेट के ऊपर जो ये मेरा जेट जाके स्ट्राइक कर रहा है वो सेंटर में स्ट्राइक कर रहा है, राइट। पिछले क्लास में हम लोग ये स्टडी किए थे और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जब स्ट्राइक कर रहा है तो किस तरीके का फोर्स एग्जर्ट होता है वो हम लोग देखे थे। लेकिन आज का जो क्लास है, आज का क्लास में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, आज का क्लास हम लोग स्टडी करेंगे कि जो कर्व प्लेट है, स्टेशनरी कर्व प्लेट है, उसके ऊपर इंपैक्ट जेट जाके कुछ किस तरीके का स्ट्राइक करेगा, ये कौन सा पोजिशन है, इट इज टेंजेंशियली और रेडियली और सेंट्रली, किस तरीके का स्ट्राइक पोजीशन इसको, ये मैंने दिखाया अभी तुम लोगों को, कोई बता सकते हो ये कौन सा तरीके का स्ट्राइक पोजीशन है, कोई कर्व प्लेट के ऊपर जाके जेट अगर इस तरीके का स्ट्राइक करेगा तो कौन सा तरीके का स्ट्राइक पोजीशन है, इज इट सेंट्रली, रेडियली और टेंजेंशियल? सर टेंजेंशियली। टेंजेंशियल। तो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे फोर्स फोर्स एग्जर्टेड बाय जे ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट, ब्रैकेट में जेट स्ट्राइक्स टेंजेंशियल, जेट स्ट्राइक्स टेंजेंशियल। ओके, तो जेट स्ट्राइक्स टेंजेंशियल, जेट कैसे स्ट्राइक करेगा कर्व प्लेट के ऊपर, टेंजेंशियल स्ट्राइक करेगा। इसके ऊपर भी दो कंडीशन है, एक कंडीशन है वेन when the curved plate is, when the curved plate is symmetrical, when the curved plate is symmetrical, okay? एक है मेरा symmetrical curved plate के ऊपर जब strike करेगा और दूसरा है मेरा जब asymmetrical curved plate के ऊपर strike करेगा। तो दो type का चीज देखेंगे कि ये मेरा अगर ये मेरा है कर्व प्लेट, ये मेरा है कर्व प्लेट, बस लाइट लाइट पड़ रहा है, पता नहीं क्या हुआ। ओके, ये मेरा कर्व प्लेट है और जेट जाके कैसे स्ट्राइक कर रहा है, थोड़ा ध्यान, ये मेरा पाइपलाइन है, ये मेरा पाइपलाइन है, यहाँ पे हम नोजल फिट किए हैं, यहाँ पे हम नोजल फिट किए हैं, ये मेरा पाइपलाइन है, नोजल से जाके जेट जाके कुछ इस तरीके का स्ट्राइक कर रहा है। तो जब इस तरीके का वो स्ट्राइक करेगा, एक सेकेंड, जब इस तरीके का स्ट्राइक करेगा जेट जाके कार्ड प्लेट के ऊपर टेंजेंशियली, तो ये जेट क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का निकलेगा, जैसे कार्ड प्लेट का सरफेस है वैसे कर्व वे में जाके वो इस तरीके का बाहर आने का कोशिश करेगा, am I right or wrong? Yes or no? Yes sir, sir. समझ में आया, ये चीज समझ में आया कि जिस तरीके का कर्व प्लेट रहेगा, कर्व प्लेट का सरफेस को मेंटेन करते हुए वो जो फ्लूइड जेट है, जेट ऑफ फ्लूइड है, जेट ऑफ वाटर है, वो जेट जाके वो कर्व प्लेट का सरफेस को मेंटेन करते हुए बाहर जाएगा। तो ये मेरा कर्व प्लेट है जो मेरा फिक्स्ड है, या तो हम लोग इसको स्टेशनरी बोल सकते हैं, ये मेरा फिक्स्ड कर्व प्लेट है और जेट जाके इस तरीके का स्ट्राइक कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जेट को ना एक सिंगल लाइन से शो कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को दिखाने में सुविधा होगा। तो मैं दिखा रहा हूं कि एक सिंगल लाइन से ये जेट को मैंने यहाँ पे शो किया, ये सिंगल लाइन से ये जेट को मैंने यहाँ पे शो किया, ये शो करके कर्व प्लेट को मेंटेन करते हुए बाहर की तरफ जा रहा है, राइट, कर्व प्लेट को मेंटेन करते हुए बाहर की तरफ जा रहा है, ये मेरे समझ में आया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये प्लेट सिमेट्रिकल होने से क्या होता है और एसिमेट्रिकल होने से क्या होता है,
जब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिकल टेंजेंशियली स्ट्राइक करवा दिए जेट को कर्व प्लेट के ऊपर। अब सिमेट्रिकल मतलब क्या है, अब तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, ये मेरा एक इंक्लाइन पोजीशन में स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये मेरा यस सर इंक्लाइन पोजीशन में, यस सर। तो इसके साथ इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है, राइट? किसके साथ इंक्लाइंड है? हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं और यहां पे भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है? तो जब दो, क्योंकि ये भी ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो ये दिखाने के लिए कि देखो कि ये जो जेड जा रहा है, जो स्ट्राइक भी कर रहा है एक एंगल करके और बाहर भी जा रहा है एक एंगल करके, लेकिन जो मैंने सेंट्रल, अगर जब मैंने पिछला जो कल क्लास में जब देखा है, मैंने सेंट्रल डायरेक्शन दिखाया, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन जब बाहर जा रहा है तब वो एंगल कर रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्लाइनली स्ट्राइक कर रहा है, इंक्लाइन वे भी वो बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे दो एंगल मैच कर रहा है, ये लोग दो एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, राइट और रॉन्ग? यहाँ पे दो एंगल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, यस सर। जब सिमेट्रिकल या स्मूथ प्लेट होता है, मैंने क्या बोला, दो अजम्पशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल एंड सेकंड वन इज द प्लेट इज स्मूथ। तो जब ये सिमेट्रिक स्मूथ एंड सिमेट्रिकल होता है, तो ये जो एंगल, इसको हम लोग क्या एंगल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनलेट एंगल। जब मैं टर्बाइन पढ़ाऊंगा उस टाइम तुम लोग को यही लैंग्वेज लगेगा, देख सुनने में आएगा इनलेट एंगल, और इसको हम लोग बोलते हैं आउटलेट एंगल। एक को हम लोग बोलते हैं इनलेट एंगल, एक को हम लोग बोलते हैं आउटलेट एंगल। व्हाई इट इज कॉल्ड द इनलेट एंगल, बिकॉज द फ्लूइड इज एंटरिंग इनटू द इनलेट ऑफ द कर्व प्लेट। And why it is called the outlet angle? Because the fluid is outer, fluid is going outside from the curved plate, making an angle. That angle is called the outlet angle, right? जब symmetrical plate होता है, that time inlet angle is equals to outlet angle. जब symmetrical plate होता है, उस time क्या होता है? Inlet angle equals to outlet angle. ये है symmetrical का condition. जब एसिमेट्रिकल होता है प्लेट, तब उस टाइम ये नॉट इक्वल्स टू हो जाता है। Am I clear everyone? Am I clear? Yes sir. तो सिमेट्रिकल का जो कंडीशन है, उसका मतलब है इनलेट एंगल, कर्व प्लेट का इनलेट एंगल एंड आउटलेट एंगल विल बी इक्वल, एंड एसिमेट्रिकल का कंडीशन है इनलेट एंगल आउटलेट एंगल विल नॉट बी इक्वल। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों एंगल मेरा इक्वल है, तो मैंने दोनों एंगल का नाम क्या दे रहा हूँ, दोनों एंगल का नाम दे रहा हूँ थीटा। दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए दोनों एंगल थीटा एंगल मेंटेन कर रहा है, ठीक? अब ये कौन सा वेलोसिटी है, ये कौन सा वेलोसिटी है, जेट वेलोसिटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, वी इस ये मेरा जेट वेलोसिटी है, वी, राइट? तो ये, और अगर मेरा प्लेट स्मूथ होगा, तो मैंने क्या बोला था कि जो वेलोसिटी से फ्लूइड एंटर करेगा, वही वेलोसिटी से फ्लूइड आउट बाहर जाएगा। पिछला दो क्लास में मैंने यही बताया था कि मैंने दो assumption consider करता हूँ, one is fluid is incompressible and second is fluid is the plate is smooth. तो fluid तो incompressible है, ठीक है, इसीलिए हम लोग को mass of fluid और mass of water striking per second को हम लोग rho a v करते हैं, right? rho a v बनाते हैं, और जब smooth होता है, जब plate मेरा smooth होता है, तो जो velocity से fluid मेरा plate में enter करेगा, वही सेम वेलोसिटी से फ्लूइड मेरा प्लेट से बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेट स्मूथ होने के वजह से देयर इज नो लॉस ऑफ इनकाइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ इन फ्लूइड वेलोसिटी, दैट्स व्हाई द जो वेलोसिटी से फ्लूइड इज एंटरिंग इनटू द कर्व प्लेट, दैट इन द सेम वेलोसिटी द फ्लूइड विल बी गोइंग आउटसाइड ऑफ द कर्व प्लेट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर, यस सर। तो अभी हम लोग क्या क्या यूज किए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा, थीटा मतलब क्या है, द एंगल बिटवीन, थीटा मतलब है एंगल बिटवीन जेट, एंगल बिटवीन एंगल
made by angle made by J with x axis, angle made by J with x axis, because this axis is x axis. This axis is okay. Angle made by J with x axis at inlet of the curved surface. ठीक है. और इधर क्या हो रहा है, एट आउटलेट ऑफ द कर्व सरफेस. दोनों एंगल तो सेम होगा क्योंकि ये प्लेन पे सिमेट्रिकल है. तो थीटा मतलब एंगल मेड बाय जे विद एक्स एक्सिस एट इनलेट ऑफ द कर्व सरफेस. कर्व सरफेस के ऊपर जो वेलोसिटी से फ्लूइड एंटर कर रहा है उसके साथ एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल, और इधर कर्व सरफेस से जो फ्लूइड जी जो डायरेक्शन में बाहर जा रहा है उसके साथ एक्स एक्सिस के बीच एंगल है थीटा. v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू है वेलोसिटी ऑफ जे. v इज इक्वल टू है वेलोसिटी ऑफ जे. अब तुम लोग मुझे बताओ कि देखो यहां पे दोनों इंक्लाइंड वेलोसिटी है, तो जब दोनों इंक्लाइंड वेलोसिटी होगा तो उसका दोनों कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, यस और नो बोलो. यस. जब एक तब यहां पे अगर तो इस डायरेक्शन को मैं v, अगर ये मेरा v है ये मेरा थीटा है, तो x एक्सिस वाला कंपोनेंट को मैं क्या लिखूंगा, v cos थीटा, और y कंपोनेंट को मैं क्या लिखूंगा, v sin थीटा. यहां पे आउटलेट में अभी देखूंगा, ठीक है. आउटलेट में मेरा x कंपोनेंट को मैंने क्या लिखूंगा, बोलो v cos थीटा माइनस, और y एक्सिस में इसको मैं क्या लिखूंगा, v sin थीटा. तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया हूं, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी डायग्राम. ये जो मैंने डायग्राम बनाया हूं इसको हम लोग बोलते हैं इनलेट वेलोसिटी डायग्राम, और ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसको हम लोग बोलते हैं आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम. टर्बाइन के केस में जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे तो उस टाइम हम लोग ऐसे ही सेम डायग्राम देखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल. वहां पे टर्बाइन के केस में थोड़ा सा ये जो डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव टाइप ऑफ होता है, इनलेट में भी एंड आउटलेट में भी. तो इसीलिए जेट स्टडी करने के टाइम पे हम लोग इसको बोलेंगे इनलेट वेलोसिटी डायग्राम, और इसको हम लोग बोलेंगे आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम. टर्बाइन के टाइम पे बोलेंगे इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, राइट. तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर एफएक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है. सो एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स अप्लाई होगा, एफएक्स इक्वल्स टू, कोई मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स अप्लाई होगा, बताओ एफएक्स इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला तो बताओ, फॉर्मूला तो बताओ, एफएक्स इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या है, बोलो प्रीतम बोलो. मास का टाइम इनटू, एक सेकंड प्रीतम बोलो, शिवम उसके बाद बोलना, प्रीतम बोलो. मास बाय टाइम इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. मास बाय टाइम इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ओके सही है. अब शिवम तुम बताओ क्या लिखेंगे सर, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, और उसके पहले और मास बाय स्मॉल टाइम dt. क्या बोल रहे हो विजय, बताओ तो क्या लिखना होता है इसमें सर, रो इनटू a इनटू v. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. That is the equation, na? That is the momentum equation. According to the Newton's second law of motion, जो मैंने किया था परसों का क्लास में दिखाया था, mass of water striking per second into initial velocity minus final velocity.
अब मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड को हम लोग क्या लिखते हैं? अब क्या लिखूंगा? रो ए वी, रो ए वी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है कोई बताओ तो? एक्स डायरेक्शन, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा माइनस एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है? माइनस वी कॉस थीटा। Why it is called minus? Why it is called minus? Opposite, opposite direction. Direction J. तो दोनों का जो direction है, एक direction इधर है और एक direction इधर है, दोनों direction opposite है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? B cos theta because tends to the positive और our final velocity minus B cos theta because tends to the negative. तो मैं इसको अगर calculation करूँगा, rho A B into B cos theta plus b cos theta is equal to rho a b 2 into v cos theta और इसको अगर calculation करूंगा तो मेरा 2 rho a b square cos theta newton. Clear है? इस direction में कितना force exert हो रहा है? Yes sir. Okay. Now मैं अभी क्या करूंगा? Y direction में f y के लिए क्या करूंगा? F y के लिए same mass of water mass of water striking per second into initial velocity minus final velocity. अब mass of water striking per second तो same है rho a b into initial velocity क्या होगा y direction में? v sin theta और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा y डायरेक्शन में? v sin theta. सो y डायरेक्शन में देखा जा रहा है, देखो ये दोनों v पॉजिटिव भी y नेगेटिव भी, ये मेरा पार्ट जीरो हो जाएगा, rho a b into 0 इसका वैल्यू आएगा 0 राइट. तो देखा गया कि जब मेरा प्लेट सिमेट्रिकल है और z अगर टेंजेंशियल स्ट्राइक कर रहा है तो मेरा जो fy होता है y डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसका वैल्यू आया कितना? 0. बट x डायरेक्शन में उसका जो फोर्स एग्जर्ट हुआ ये, अगर मान लें इनकेस कभी बोल देता है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एग्जर्टेड बाय, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में आया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एग्जर्टेड बाय j ऑन स्टेशनरी कार्ड प्लेट, स्टेशनरी सिमेट्रिकल कार्ड प्लेट व्हेन द j स्ट्राइक्स टेंजेंशियल परपेंडिकुलर. व्हाट इज द value of the resultant force exerted by J on stationary symmetrical curved plane when J strikes tangentially. तो हम लोग resultant force कैसे निकालेंगे? Any idea? Resultant force कैसे निकालेंगे? Any idea? fx plus fy resultant force का mechanism हम वो दिखाए थे, fx plus fy दिखाए थे कि rf is equal to resultant force is equal to root under fx square plus fy square, ये दिखाए क्या दिखाए थे, ये दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? अरे yes. सिंपल है, परपेंडिकुलर थ्योरी, हाइपोटेन्यूज थ्योरी, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वही फॉर्मूला से रिजल्टेंट आता है. सो अगर तुम लोगों को कभी रिजल्टेंट फोर्स निकालने को लगा तो पहले fx निकालोगे, fy निकालोगे, उसके बाद उसको स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला पे गिरा के rf रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे. ठीक है, सो ये मेरा सिमेट्रिकल कार्ड प्लेट के लिए मेरा डेरिवेशन. अब हम लोग क्या देखेंगे इस पार्ट में, किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? नो सर. सो ना अभी हम लोग देखेंगे क्या फोर्स एग्जर्टेड बाय जे ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट जे स्ट्राइक्स टेंजेंशियली व्हेन द कर्व प्लेट इज एसिमेट्रिकल. एक बस एक माने एक ए ऐड करेंगे और एक ए ऐड करेंगे, दिस इज एसिमेट्रिकल. ठीक है, जब जेट स्ट्राइक कर रहा है टेंजेंशियली तो कार्ड प्लेट इज एसिमेट्रिकल.
जब एसिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, इनलेट एंगल नॉट इक्वल्स टू आउटलेट एंगल। तो मैंने यहाँ पे अगर थीटा पकड़ रहा हूँ तो इसको मैं थीटा नहीं पकड़ सकता हूँ क्योंकि दोनों एंगल सेम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस थीटा को हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा एक एंगल लिख रहा हूँ जिसका नाम है फाइव, जिसका नाम है फाइव, दो और एक एंगल का साइन दे रहा हूँ। अब तक तुमको न्यूमेरिकल देगा तो न्यूमेरिकल में क्या देगा कि दोनों एंगल का वैल्यू अलग देगा, ये एंगल का वैल्यू 30 डिग्री दे दिया, ये एंगल का वैल्यू 50 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो दो जब भी 30-50 डिग्री देगा तब तुमको ये पता चलना चाहिए कि भाई ये एसिमेट्रिकल केस, जब दोनों एंगल इक्वल बोल देगा तो पता करना है कि भाई ये मेरा सिमेट्रिकल केस, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय जेड विद एक्स एक्सिस विद इनलेट ऑफ द कर्व सरफेस एंड बी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ जेड एंड फाई इक्वल्स टू व्हाट, फाई इक्वल्स टू एंगल मेड बाय जे वी एक्स एक्सिस एट आउटलेट ऑफ द कर्व सरफेस, एट आउटलेट ऑफ कर्व सरफेस, आउटलेट ऑफ कर्व सरफेस, ठीक है। सो थीटा इक्वल्स टू एंगल मेड बाय जेड विद एक्स एक्सिस एट इनलेट ऑफ द कर्व सरफेस एंड फाई इक्वल्स टू एंगल मेड बाय जेड विद एक्स एक्सिस एट आउटलेट ऑफ द कर्व सरफेस। तो अभी एसिमेट्रिकल केस हम लोग करेंगे, सेम कंडीशन, इफ एक्स एक डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू कितना है, मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो इसका वैल्यू है रो ए बी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वी कॉस थीटा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, माइनस वी कॉस फाइव क्योंकि ये इसका डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस ऑफ वी कॉस फाइव। सो कितना हुआ, रो ए वी इनटू वी कॉस थीटा प्लस वी कॉस फाइव, सो रो ए वी स्क्वायर इनटू वन सॉरी कॉस थीटा प्लस cos 5, v का कॉमन ले लिया तो v अगर कॉमन होगा तो यहां से इस v के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा रो ए बी स्क्वायर इनटू cos थीटा प्लस cos 5। तो ये मेरा x डायरेक्शन का फोर्स होगा। अब मुझे बताओ y डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, fy कितना होगा बोलो, fy कितना होगा, रो ए बी इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, fy कितना होगा, बोलो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा सर, v sin थीटा माइनस v sin 5। कैलकुलेशन करेंगे, रो ए बी स्क्वायर sin थीटा माइनस sin 5। इजी है यस सर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा जब स्टेशनरी प्लेट, जब मेरा प्लेट स्टेशनरी है, कोई भी प्लेट हो, मे बी वर्टिकल हो, मे बी हॉरिजॉन्टल होगा, मे बी कर्व्ड होगा, तो मैंने उसके लिए वर्टिकल के लिए डेरिवेशन देखा, इंक्लाइन के लिए डेरिवेशन देखा। स्टेशनरी प्लेट पे जब जेड सेंट्रल स्ट्राइक कर रहा है उसके लिए डेरिवेशन देखे, जब जेड टेंजेंशियल स्ट्राइक कर रहा है सिमेट्रिकल प्लेट के लिए डेरिवेशन देखे, जब जेड टेंजेंशियल स्ट्राइक कर रहा है असिमेट्रिकल के लिए डेरिवेशन देखे, ठीक है। तो अभी मोटा मोटी मेरा जो स्टेशनरी प्लेट रिलेटेड जो भी काम था वो मेरा कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, जब फोर्स एग्जर्टेड बाय जे ऑन मूविंग प्लेट, फोर्स एग्जर्टेड बाय जे ऑन मूविंग, क्योंकि अभी मूविंग शुरू करना है, तो मूविंग शुरू करना है तो हम लोग मूविंग का शुरू करेंगे। अभी देखते हैं मूविंग में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग में हम लोग को मूविंग वर्टिकल फ्लैट प्लेट, जैसे स्टेशनरी प्लेट के टाइम पे हम लोग फ्लैट प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करवाए थे, वैसे ही फोर्स एग्जर्टेड बाय जे और मूविंग फ्लैट प्लेट, मूविंग फ्लैट प्लेट, ठीक है। अभी हम लोग ये करेंगे, देखते हैं। Thank you.
अभी चीज हम लोग बोलेंगे, जब मेरा देखो मूविंग जब हो रहा है मतलब मेरा प्लेट भी मूविंग कर रहा है, ये मेरा वर्टिकल प्लेट है, प्लेट मेरा धीरे 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 मूविंग कर रहा है और जो जेट जाके वो भी धीरे 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 मूविंग करते हुए स्ट्राइक कर रहा है। और एक बार जो प्लेट है वो प्लेट धीरे 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 मूव कर रहा है और जो जेट जा रहा है वो भी धीरे 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 मूव करते हुए स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी इस कंडीशन में आएंगे। जब भी हम लोग ये मूविंग प्लेट के केस में जाएंगे तभी हम लोग को फोर्स भी निकालना है प्लस मुझे उसके लिए वर्क डन भी निकालना है। और जब मैं वर्क डन निकाल लूंगा तो मेरे लिए ऑब्वियसली आउटपुट एफिशिएंसी निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फोर्स एंड वर्क डन निकालूंगा क्योंकि यहाँ पे प्लेट भी मूव कर रहा है एंड जो जेट है वो भी मूव कर रहा है। तो दोनों जब मूविंग कंडीशन आ रहा है तब एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। देखो वेलोसिटी दो टाइप का होता है, जब मेरा कोई सिंगल वेलोसिटी होता है, जब मैं कोई टॉपिक कोई ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जेक्ट मेरा जब सिंगल वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, इसके साथ में कोई अनदर बॉडी को मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अनदर टॉपिक को कोई अनदर बॉडी का वेलोसिटी को अगर जब मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ तो उस टाइम इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को हम लोग कंसिडर करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं जिसको हम लोग सिर्फ वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन कंसिडर करते जब मैं दोनों के फ्लूइड दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को अगर मैं पकड़ता हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को अगर कंपैरिजन करता हूँ तभी रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट होता है। कैसे? जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा उस टाइम रिलेटिव वेलोसिटी, अगर इस ऑब्जेक्ट रेड वाला ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी यू है और ब्लू वाला ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी वी है तो दोनों ऑब्जेक्ट जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होता है वी माइनस यू। ठीक, और जब दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच रिलेटिव वेलोसिटी होता है वी प्लस यू। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वेलोसिटी दो टाइप का है, एक रिलेटिव वेलोसिटी, एक वेलोसिटी। जब मैं कोई सिंगल ऑब्जेक्ट का मैं वेलोसिटी पकड़ूंगा उसको हम लोग सिर्फ नॉर्मल वेलोसिटी पकड़ते हैं जिसके साथ जिसमें कोई रिलेटिव वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। लेकिन जब मैं दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को मैं कंसीडर करता हूँ तो दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रेड वाला ऑब्जेक्ट का वी, ये वाला ऑब्जेक्ट का यू, तो दोनों ऑब्जेक्ट जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो होता है वी माइनस यू। और जब दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है दैट इज वी प्लस यू। तो अभी हम लोगों को वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वर्क डन हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है जब वेन द फोर्स exerted by J on the moving flat plate. So this is my plate. This is my flat plate, right? कोई एक सिंगल स्टूडेंट मुझे पार्टिसिपेंट लिस्ट स्क्रीनशॉट सेंड करो। सुबोधित अगर क्लास में सेंड करो या दूसरा कोई स्टूडेंट सेंड करो पार्टिसिपेंट लिस्ट। तो ये मेरा फ्लैट प्लेट है जो मेरा मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे मेरा मैंने क्या बोला था, मेरा यहाँ पे पाइप है, पाइप डायमीटर है, यहाँ पे मेरा नोजल है, पाइप डायमीटर नोजल, यहाँ पे जाके जेट स्ट्राइक करेगा, जेट इस तरीके से जाके स्ट्राइक कर रहा है। जब जेट स्ट्राइक करेगा तो ऑब्वियसली वो जो प्लेट का जो सरफेस है वो प्लेट का सरफेस को मतलब प्लेट जिस सरफेस में है उस सरफेस को मेंटेन करते हुए वो डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये मेरा जेट है, जेट का डायरेक्शन ये है और इसके बाद और ये प्लेट तो मेरा स्टेशनरी नहीं है तो ये प्लेट भी मेरा मूवमेंट कर रहा है। तो मान के चलते हैं कि ये मेरा इनिशियल ड्राइंग है, इनिशियल कंडीशन है और ये मेरा फाइनल कंडीशन है। ठीक है, ये मेरा फाइनल कंडीशन है, ये मेरा फाइनल कंडीशन है। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम है, कुछ इस तरीके का डायग्राम है, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। तो अभी क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट मूव कर रहा है, मूविंग फ्लैट प्लेट को हम लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम थिंग इज दैट कि यहां पे जब ये जेट का जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जेट का इनिशियल वेलोसिटी v है और प्लेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, प्लेट का इनिशियल प्लेट जो वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है उसको हम लोग u पकड़ रहे हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ j, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ j and u equals to velocity of plate. यहाँ पे दोनों ही movement कर रहा है, jet भी movement कर रहा है plus plate भी movement कर रहा है। ठीक है, तो जब v is equal to velocity of jet, u is equal to velocity of plate, d is equal to diameter of jet,
D is equal to diameter of object. A is equal to area of object. A is equal to area of object. तो V मुझे मिल गया, U मुझे मिल गया, D मुझे मिल गया and AB मुझे मिल गया, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कि अभी हम लोग देखेंगे कि अगर मेरा जेट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और प्लेट का वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, जेट का वेलोसिटी v है, प्लेट का वेलोसिटी u है, तो अब मुझे तुम लोग बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस u. Why v माइनस u? Same direction. Movement कर रहा है, तो relative velocity यहाँ पे v minus u because the plate is moving in that direction, in the same direction the jet is moving also, or the vice versa, jet is moving in the which direction, in that same direction the plate is also moving. Okay, so अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इसका जो भी same चीज हम लोग करेंगे, जैसे कि हम लोग stationary plates के लिए हम लोग किए थे, what is the value of the force? What is the value of the force in x direction? Why it is called x direction? यहाँ पे कोई y direction में कोई मेरा fluid jet का कोई direction नहीं है. यहाँ पे jet only x direction को maintain कर रहा है. देखो ये जो मेरा direction है, ये मेरा x direction है. x direction में जाके वो strike कर रहा है plate के ऊपर. That's why we have to only consider the x direction. So Fx equals to what? Fx equals to हम लोग लिखेंगे same mass of water. Striking per second into initial velocity minus final velocity. ठीक, ये लिखेंगे mass of water striking per second into initial velocity minus final velocity. अब लेकिन stationary plates के लिए टाइम पे हम लोग क्या किए थे? Mass of water striking per second को हम लोग लिखते थे rho a b. हम लोग ये लिखते थे ना, रो ए बी लिखते थे. लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या सिंगल वेलोसिटी है या डबल वेलोसिटी? यहाँ पे सिंगल वेलोसिटी, डबल वेलोसिटी, डबल. तो डबल जब वेलोसिटी तब यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी का एक्सेप्ट करेंगे? रो ए बी की जगह में हम लोग का क्या एक्सेप्ट करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी को एक्सेप्ट करेंगे. Am I clear everyone? Yes sir. Okay. तो यहाँ पे रो ए बी की जगह में हम लोग लिखेंगे रो ए इंटू बी माइनस यू. और आगे चलते हुए नेक्स्ट क्लास में जितना भी डेरिवेशन दिखाएंगे वो सारा डेरिवेशन में हम लोग देखेंगे कि मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड व्हिच दैट विल बी रो ए इनटू वी माइनस यू. वी के जगह में हम लोग वी माइनस यू को पुट करेंगे, ठीक है? सो रो ए इनटू वी माइनस यू, रो ए इनटू वी माइनस यू इनटू इनिशियल वेलोसिटी. अब तुम लोग मुझे बताओ यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? बोलो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? V होगा. U V होगा. Initial velocity देखो मैंने क्या बोला, this is initial, this is final, this is initial. V minus U. Final condition पे initial में मैं क्या velocity पकड़ूंगा? मैं relative velocity को मैंने पकड़ना पड़ेगा. मैं कोई single velocity को तो accept नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों body moving हैं. तो मैं क्या पकड़ूंगा initial velocity? V minus U. So V minus U is the initial velocity. And what is the meaning? What is the value of the final velocity? Zero. Final velocity will be zero. Why it is zero? Because जब मेरा jet, देखो एक concept समझो, ये जो मेरा अगर plate है, ये मेरा धीरे-धीरे movement कर रहा है, jet strike किया, jet strike करने के बाद ये यहाँ पे हम लोग initial velocity पकड़ रहे हैं, तो आप पकड़ रहे हैं relative velocity पकड़ रहे हैं v minus u. लेकिन jet strike करने के बाद तो jet तो गिर गया. जेट स्ट्राइक करने के बाद जेट तो मेरा गिर गया. तो जेट जब गिर गया मतलब जेट का जो पानी है वो पानी क्या होगा? नीचे स्पोर्ट हो जाएगा. तो मेरा जो फाइनल वेलोसिटी हुआ वो फाइनल वेलोसिटी मेरा जीरो बना. सो मेरा क्या आएगा वैल्यू? रो ए इनटू बी माइनस यू होल स्क्वायर न्यूटन. क्लियर? रो ए इनटू बी माइनस यू होल स्क्वायर न्यूटन. तो ये मेरा हुआ एक्स डायरेक्शन में कितना वैल्यू ऑफ फोर्स एग्जैक्ट हुआ. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन? क्योंकि the work will be done by the jet on the plate as the plate is moving. For the stationary plate the work done is zero. जब मैं stationary plate use करता हूँ उस time मेरा work done zero होता है क्योंकि उस time work plate movement नहीं करता है क्योंकि plate का जो velocity रहता है वो zero होता है. लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या plate भी move कर रहा है, jet भी move कर रहा है. So for that case
the movement will be, I mean the work done will be not zero. तो work done का value निकालना पड़ता है. तो work done का क्या formula होता है? बोलो work done equals to what? Work done equals to what? Work done equals to what? Work done equals to होता है जो कोई formula याद रखना. Force into displacement. Force into. F into S. Force into displacement, right? Yes, sir. Sir. Force. Yes, sir. Force into displacement. या तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं displacement terms को लिख सकते हैं कि distance in the direction of the force. Distance in the direction of the force. Distance in direction of the force. Direction of force per second. Force per second. मतलब एक second में कितना direct distance ये cover कर रहा है. एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस प्लेट कवर कर रहा है दैट इज यू मीटर पर सेकेंड. दैट इज यू मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में ये प्लेट कितना, क्योंकि ये जो वर्क डन मुझे क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि वर्क डन इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मेरा प्लेट है वो प्लेट मेरा स्टेशनरी नहीं है, वो प्लेट मेरा मूविंग प्लेट है. तो यहाँ पे प्लेट की वजह से वर्क डन निकालना पड़ रहा है. तो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे प्लेट का डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा. प्लेट का डिस्प्लेसमेंट क्या है या प्लेट का जो वेलोसिटी क्या है, एक सेकंड में वो यू मीटर कवर कर रहा है. तो एक सेकंड यू मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी है. तो मैं फोर्स इक्वल्स टू रो ए बी माइनस यू होल स्क्वायर, जो मेरा एफ एक्स निकला, इनटू यू. तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर इनटू यू. दैट इज वर्क डन. वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन के यूनिट है न्यूटन मीटर पर सेकंड. वर्कडन के यूनिट है न्यूटन मीटर पर सेकंड. ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, w टू d एक्चुअली इसे w टू फॉर f टू v करो, क्योंकि यहां पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हो रहा है, क्योंकि जो प्लेट का जो मूवमेंट हो रहा है वो प्लेट का मूवमेंट को हम लोग पकड़ रहे हैं. तो यहां पे वेलोसिटी होगा रो a इनटू b माइनस u होल स्क्वायर इनटू u न्यूटन मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द मूविंग प्लेट एंड दिस इज द वर्कडन एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द मूविंग प्लेट. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द इंक्लाइन एंड द कर्व प्लेट के ऊपर स्टडी करेंगे. ओके, वर्क डन एक बार फिर से बता दीजिए सर. एफएक्स एफवाई जो निकाल रहे हैं वर्क डन अभी निकाल लास्ट में बोला था सर. ये वर्क डन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे प्लेट मूव कर रहा है, इसलिए यहां पे वर्क डन हो रहा है. जब स्टेशनरी प्लेट था वहां पे प्लेट मूव नहीं कर रहा था, वेलोसिटी जीरो था, इसलिए वहां पे वर्क डन नहीं निकाल रहे. ओके, स्टेशनरी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि स्टेशनरी कंडीशन में प्लेट का कोई वेलोसिटी नहीं रहता, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट नहीं आता है, तो इसलिए वहां पे वर्क डन भी मेरा जीरो होता है. लेकिन यहां पे क्या है कि प्लेट मेरा मूवमेंट कर रहा है, जब प्लेट मेरा मूवमेंट कर रहा है तो उस टाइम मेरा रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट आता है, इसीलिए मेरा यहां पे वर्क डन वैल्यू आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना, 1 सेकंड में वो प्लेट का वेलो प्लेट कितना डायरेक्शन कवर कर रहा है, कितना एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू यू जो प्लेट का वेलोसिटी है. तो द वर्क डन का वैल्यू होगा रो ए इनटू वी माइनस यू होल स्क्वायर इनटू यू. सो रो ए इनटू वी माइनस यू होल स्क्वायर इनटू यू न्यूटन मीटर पर सेकंड. एम आई क्लियर प्रीतम? यस सर. एनीबॉडी नाउ, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? Anybody having any doubt? Okay. So, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे विजय? विजय ने कौन बोल रहा था? Sir, कोई doubt नहीं है, clear. और कोई पूछ रहा था, कुछ बोल रहा था? अखिलेश पासवान कुछ बोल रहे थे क्या? अखिलेश पासवान कुछ बोल रहे थे? No sir. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करने करेंगे कौन सा टॉपिक हम स्टडी करेंगे, फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट
on moving inclined plate or on moving curved plate, symmetrical curved plate and asymmetrical curved plate with jet strikes tangential. जैसा stationary के लिए हम लोग study किए थे, वैसा same चीज हम लोग moving के लिए भी study करेंगे. और उसके बाद सर कुछ numerical study करेंगे और ये chapter भी मेरा end हो जाएगा. Okay? So thank you everyone for attending class. Next class again we will see and ये जो इसका पिछला class का lecture शायद अभी तो WhatsApp में provide नहीं हुआ है. YouTube में अपलोड हो गया है, जो लोग सब्सक्राइब किए हो उन लोग YouTube में पता चल गया होगा, लेकिन मैं और एक बार WhatsApp में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ पिछला क्लास का जो लिंक और इस क्लास का लिंक भी WhatsApp में थोड़ी देर में प्रोवाइड हो जाएगा. ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास. थैंक यू.